तो आज हम बनाना सीखेंगे स्टफ्ड टमाटोज। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लेंगे। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड डालेंगे और 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और इसकी एक अच्छी स्मेल जाने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के अनियंस और 2 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप की हुई डालेंगे और इसको ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे एज़ पर टेस्ट और इसको अच्छे से चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ये ऑप्शनल है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसको हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब इसमें 1 टीस्पून लाइम जूस डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे और इसको भी चलाकर पका लेंगे। अब इसमें हम ग्रीन कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मैश किए हुए और बॉयल्ड 5 से 6 आलू ऐड करेंगे और सभी मसालों के साथ इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला बनकर रेडी है। तो अब हम 5 से 6 टमाटर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से हार्ड टमाटर लिए हैं, ज़्यादा सॉफ्ट टमाटर नहीं लेंगे। अब इसको ऊपर से ऐसे कट करेंगे और इसके बीच में से जितने भी बीज रहेंगे उनको हम रिमूव कर देंगे और इसको बीच में से खाली कर लेंगे। तो जो हम इसमें से टमाटर के बीज निकालेंगे और जो हम ऊपर से पार्ट इसका कट करेंगे उसको किसी और सब्ज़ी में हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी टमाटर हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारे टमाटर रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको स्टफ़ करेंगे। तो हमने जो आलू की स्टफिंग बनाकर रेडी की थी वो इन सभी टमाटर में हम अच्छे से भर लेंगे। इसको हमने दबा दबा कर अच्छे से सभी टमाटर में फिल कर लेना है। तो ऐसे ही सभी टमाटर हम भर कर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए अब ऊपर से हम मोज़रेला चीज़ इसके इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए हम एक पैन लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, और सभी टमाटर को इसमें हम डालेंगे और लो फ्लेम पर हम ढक कर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो देखिए ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। तो लीजिए हमारे स्टफ्ड टमाटो बनकर रेडी हैं। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नई नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।